हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन एनपीसी द चैनल वेर यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। एंड आज हम जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं दैट इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड काइनेमेटिक इक्वेशन इन टू डायमेंशन। ओके, लास्ट के चैप्टर में स्ट्रेट लाइन में हमने वन डायमेंशन में ये तीनों वेरिएबल्स सीखे थे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड काइनेमेटिक इक्वेशन। थ्री काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन हमने वहाँ डिराइव की थी। ओके, बट यहाँ हम टू डायमेंशन ले रहे हैं, मीन्स हमारा एक्स एज वेल एज वाई, ये टू डायमेंशन आ जाते हैं, तब इन वेरिएबल्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या डिफरेंस होगा, वही चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। ओके, एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पोजिशन कॉर्डिनेट एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, ये टू थिंग्स डिराइव की थी, टू थिंग्स समझी थी। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि ये कनेक्ट करती है आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से, इसीलिए ये लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर से कनेक्ट होगा। सो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट द पोजिशन वैक्टर एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की यहाँ जरूरत पड़ेगी, इसीलिए पहले हम उन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये डिराइव किया था कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल एक्स एंड वाई प्लेन में है, हमने सपोज किया पार्टिकल पी है वो एक्स में एंड वाई में, एक्स में कितना चला एक्स और वाई में y जितना डिस्टेंस कवर किया, तो इस पॉइंट p पर पहुंचा एक पार्टिकल। ठीक है, x y प्लेन में वो मोशन कर रहा है, तो हमने डायरेक्टली अगर पॉइंट p को ओरिजिन से कनेक्ट करें, ओके, लोकेशन है हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या फिर विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ही डिफाइन करेंगे। ओके, तो हम ओरिजिन से पॉइंट p का जो डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लिया, तो ये हमने बोला पोजिशन कोऑर्डिनेट और इसे r से डिनोट करते हैं। ओके, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर हम पॉइंट पी के अलावा एक कोई दूसरा पॉइंट ले ले क्यू, तो वहाँ से डिस्टेंस हो, सपोज हम पोजीशन कोऑर्डिनेट आर डैश सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ से पॉइंट पी से क्यू का जो डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंट पी से क्यू का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम डेल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डेल आर का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, दैट इज डेल आर इज इक्वल्स टू डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी भी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द एवरेज वेलोसिटी एंड देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट भी हमने लास्ट चैप्टर में सीखा है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। ओके, अगर ये वन डायमेंशन की भी वीडियो अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, सिंपली फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज जो टाइमिंग है, एवरेज जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज डेल आर बाय डेल टी। ठीक है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज गिवन बाय द वेलोसिटी। ओके, एंड दिस इज द वैक्टर टर्म, सो हम यहाँ पर वैक्टर साइन यूज करेंगे। ओके, सो वी इज इक्वल्स टू डेल आर बाय डेल टी। अब डेल आर डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट, नाउ डेल आर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो वी इज इक्वल्स टू डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे डिवाइडेड बाय डेल टी। ओके, सेपरेट कर लीजिए एक्स की टर्म एंड वाई की टर्म को, सो डेल एक्स बाई डेल टी आई केप प्लस डेल वाई बाय डेल टी जे केप। ठीक है, मैंने आई केप और जे केप का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आई केप इज द पोजिशन, आई केप इज द यूनिट वैक्टर अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन एंड जे केप इज द यूनिट वैक्टर अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन। ओके, अब देखिए डेल एक्स बाई डेल टी ये क्या है, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है, तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी के लिए हम क्या सपोज करते हैं, डेल वी या ओनली वी एक्स। ठीक है, वी एक्स इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एंड वी वाई इज द वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं टू डायमेंशन, तो हमें एक्स और वाई दोनों के कॉम्पोनेंट्स तो चाहिए होंगे, तो वेलोसिटी में भी टू कॉम्पोनेंट्स मिले, एक्स एंड वाई। ठीक है, वी वाई जे, सो दिस इज द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ओके, नाउ वील टॉक अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कुछ नहीं, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आपको वो सीखना है।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिंपली अगर आप एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डिफरेंस देखें तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं उसके थ्रू। आपके पास टू स्टेशन हैं, एक वडोदरा का स्टेशन है, एक अहमदाबाद का स्टेशन है। ओके, यहाँ से वडोदरा से ट्रेन जाती है अहमदाबाद और उसका जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम मान लेते हैं इसका 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में ये 40 किलोमीटर चलती है। अब इसमें तो काफ़ी सारे स्टेशन आते हैं। ठीक है, हमने क्या बनाया कि एवरेज वेलोसिटी वडोदरा से अहमदाबाद स्टेशन के बीच का एक एवरेज वेलोसिटी। बट आपको जो चाहिए एक पर्टिकुलर स्टेशन पर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, तो उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस मतलब एक छोटे से टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज यहाँ पर टाइम शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स डेल्टी की जो वैल्यू है वो वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स अप्रोक्स जीरो। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली जीरो, अप्रोक्स जीरो आप कंसिडर करेंगे। ओके, सो यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, मीन्स या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी इज इक्वल्स टू, लिमिट लगा दीजिए डेल टी टेंस टू जीरो एंड डेल आर बाय डेल टी। ठीक है, ये आपका वेक्टर है। नाउ लिमिट अगर आपने पुट की है सो ये वाला जो टर्म हो जाएगा वो डेरिवेशन का हो जाएगा, क्योंकि जो स्मॉल टर्म्स है इसका मतलब हम डेरिवेशन या डेरिवेटिव पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन का जो एक कॉन्सेप्ट है पूरा वो भी हमने लास्ट लेक्चर में समझा है। ओके, सो डी यहाँ पर डी आर बाई डी टी हो जाएगा, और आर आर है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वैक्टर को सिंपली अगर इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करें सो आर के इज इक्वल्स टू होता है एक्स आई प्लस वाई जी। ठीक है, सो डी बाई डी टी आर के प्लेस पे हम एक्स आई प्लस वाई जे लिख सकते हैं। ठीक है, सेपरेट कर लीजिए, सो डी एक्स बाई डी टी आई के प्लस डी वाई बाई डी टी जे के। ठीक है, ये क्या है एक्स कंपोनेंट एंड ये वाई कंपोनेंट, सो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, ये क्या है वैक्टर फॉर्म। अब आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं। नाउ डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड वेल एज डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन के लिए हम टेन थीटा लेते हैं। ओके, मीन्स अगर आपके पास थीटा एंगल पर ये पॉइंट है, ठीक है, एक्सिस थीटा एंगल पर है, तो टेन थीटा इज गिवन बाई वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट, सो वी y डिवाइडेड बाई वी एक्स, ये आपका डायरेक्शन आ गया और ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट वैक्टर साइन। हम सीखते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन भी इसी तरह से हम डिराइव करेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन का सिंपली फॉर्मूला, पहले आप फॉर्मूला बताइए। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू होता है v बाई टी, मीन्स वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने सीखा है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी में वी एक्स आई, ठीक है, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, इसे सेपरेट कर लीजिए, सो डेल वी एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी आई प्लस डेल वी वाई डिवाइडेड बाई डेल टी जे के। ठीक है, ये वाला टर्म आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन एंड दिस इज द वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन। ठीक है, सो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये हुआ आपका क्या एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए लिमिट लगा दो आप, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। ठीक है, सो डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी हो जाएगा। ठीक है, सो ये डी वी बाई डी टी, डी बाई डी टी, वी की वैल्यू क्या है यहाँ से, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। ओके, सो डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी आई के प्लस डी वी वाई डिवाइडेड बाई डी टी जे के। ओके, यहाँ से ये वाला जो कंपोनेंट है वो एक्स कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, सो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ठीक है, एंड दिस इज द एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। ओके, नाउ मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, मीन्स जो भी आपके कॉम्पोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर अंडर रूट में कर दीजिए ए वाई का स्क्वायर, एंड डायरेक्शन डायरेक्शन इज टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट, सो ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। ठीक है, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, सो ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स, ये आपका डायरेक्शन आ गया, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, कंप्लीट वैक्टर क्वान्टिटी हो गई। अब यहाँ हमने एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ये दो वेरिएबल्स जान लिए कि 2D में कैसे होता है, क्योंकि 2D में आपके x एंड y कंपोनेंट्स हैं तो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ओके,
अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन की। हमारा जो थर्ड पॉइंट है इस लेक्चर का, दैट इज द काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन, ओके। सो हमने काइनेमेटिक इक्वेशन इन 1D पढ़ा है। वो 3 इक्वेशंस क्या होती है, पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम 2D डायमेंशन में काइनेमेटिक इक्वेशन करेंगे, ठीक है। 1D में हमारी इक्वेशन क्या होती थी, V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। हियर वी इज द इनिशियल वेलोसिटी, ओके, एंड यू इज द फाइनल वेलोसिटी, ए इज द एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड एस इज द डिस्प्लेसमेंट। और ये जो भी क्वांटिटी मैंने लिखी है, दिस इज द वेक्टर, ठीक है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन होती है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, टाइम तो सभी के लिए सेम होता है। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटीज है, इनके वेरिएबल्स चेंज होंगे, इनके एक्सिस के जो कंपोनेंट्स है वो चेंज होंगे। सो हम डिवाइड कर लेते हैं इन इक्वेशंस को एक्स कंपोनेंट के लिए, ठीक है, मीन्स एक्स एक्सिस के लिए एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, ठीक है, y कंपोनेंट। x कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, एस एक्स इज इक्वल टू, या फिर इसे x भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर एंड वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स, ठीक है। एंड फॉर y डायरेक्शन vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी एंड वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर एंड वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, ओके। दिस इज द काइनेमेटिक इक्वेशन इन 2 डायमेंशन, ओके। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया, और ये लेक्चर अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ओके। थैंक यू सो मच।